बाबू क्या कर रहे हो? क्या करने आए हो? अच्छा अभी पेड़ पे बैठा हुआ है। ये है बिया, ये है खाद, ये है डाई, में नीम है, पिपल है, पाकड़ है। इसे झगड़ा हो जाए तो मतलब दूरी दूरी बना के रहते हो, पहले इसे ही ले जाएंगे। हटो, चलो चलो चलो, काफी लंबा सी। तो सब सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो फाइनली दोस्तों, आज हम मढ़े पे बैठे हुए हैं। आज थोड़ा बहुत मौसम साफ हुआ है और हमारे साथ है शुभम, क्योंकि शुभम भी दो तीन दिनों से नहीं था, मामा के घर गया था। क्यों? इसीलिए हमारे वीडियो में नहीं आ रहा था। और बारिश हो रही थी, बारिश हमारे यहाँ लगभग में आज चार दिन हो गया, चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हमारे साथ आ चुके हैं आयुष। क्यों आयुष, बारिश हो रही थी? हैं, बारिश हो रही तो बारिश आज चार दिनों से हो रहा है। फिलहाल में आज थोड़ा बहुत मौसम साफ है, वैसे बादल है लेकिन पानी नहीं बरस रहा है, देख सकते हो। आयुष बाबू, बाबू क्या कर रहे हो? क्या करने आए हो? हैं, बोलो बोलो। तो अभी आयुष है जो कि खामोश बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बच्चा है। क्यों दोस्तों, कल ब्लॉग शूट नहीं हो पाई थी क्योंकि हमने इंट्रो दिया, इंट्रो के बाद हमने सोचा कहीं निकलेंगे ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन थोड़ा दूर गए हैं, रास्ते में बारिश होने लगी, फिर वापस आ गए। ब्लॉग शूट हो नहीं पाया था क्योंकि आज भी मौसम खराब है। तो राज, बारिश हुई थी कल ना? हाँ। आज भी मौसम काफी ज्यादा खराब है, लेकिन आज प्रयास करेंगे जहाँ तक ब्लॉग शूट हो जाए। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं आज के ब्लॉग में आज का सीन क्या होता है। फाइनली दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बगीचे में। हमारे साथ है अच्छे, अच्छे अभी पेड़ पे बैठा हुआ है। तो हम आए बगीचे में क्योंकि बारिश हो रही थी, मतलब आज सुबह से लेकर अभी तक तो बारिश नहीं हुई है क्योंकि कल बहुत ज्यादा अधिक बारिश हुई थी, लेकिन आज बादल बहुत तेज है। हो सके अभी थोड़ी देर में बादल छाई है तो पानी बरस सकता है, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। अभी लगभग में हम जान रहे हैं 6-7 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। वैसे रात में थोड़ी बहुत हुई थी, सुबह में कल सुबह में हुई थी। मैंने इंट्रो दिया उसके बाद बारिश शुरू हो गई, तो हमने बगीचे में आकर फिर वापस चले गए। हम लोग हम थे अच्छे थे, उसके बाद वो राज था और भी लोग थे, बाकी हम सब वापस चले गए क्योंकि बारिश बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो गया था। तो अभी हम अच्छे आए हैं बगीचे में। हमने कहा चलो बगीचे में देखते आज बगीचे का क्या सीन है, क्योंकि लगभग में 5-6 दिनों से हम बगीचे में आए नहीं। ये देख सकते हो यहाँ से बगीचा शुरू है, यहाँ से देख सकते हो वहाँ तक, फिर उधर से लेकर वहाँ तक से भी बड़ा बगीचा था, क्योंकि ये बगीचा वही बगीचा है जो बड़ा बगीचा था। लेकिन अब धीरे धीरे बगीचे से पेड़ कम हो रहा है, क्योंकि नहीं आता है तो कोई पेड़ गिर जाए, बारिश शुरू हो जाए उसमें भी कोई पेड़ गिर जाए, हमारे यहाँ बाढ़ आती है उसमें भी कोई पेड़ गिर जाए, उसके बाद पुराना पेड़ हो चुका है, पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। आगे कब तक पेड़ रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे एक एक पेड़ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं गांव की तरफ में, अभी होकर चलेंगे थोड़ा देर, एक होटल है वहाँ थोड़ा पानी उन्हें पियेंगे, क्योंकि 1 घंटा हो गया रील शूट कर रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। फाइनली दोस्तों, अभी जस्ट हम आ चुके हैं मढ़े पे। हमारे साथ है सरवन और बाकी और लोग, सब लोग खेल रहे हैं लूडो, देख सकते हो सब लोग लूडो में फर्क है। ये है बिया, ये है बिया, ये है खाद, ये है डाई, यूरिया। क्यों है ना, धूप निकलने की वजह से सब लोग अंदर हैं, देख सकते हो। इधर देख सकते हो हल्का फुल्का धूप हो चुका है, तो होने के वजह से सब यहाँ बैठ के, तख्ता है यानी कि चौकी है, यह चारपाई, बगल में चौकी, यहाँ सब लोग खेलना है। फाइनली दोस्तों, हम आ गए हैं डड़िया बाबा के स्थान के तरफ पे, क्योंकि बहुत दिनों से हो रही थी बारिश, तो बारिश की वजह से घर से निकलना ही मुश्किल था। तो हम डड़िया बाबा के स्थान पे कैसे आते, तो आज हम आए हैं डड़िया बाबा के स्थान पे, जो कि हमें लाने की वजह एक ही है। हम आते नहीं वैसे, 2-4 दिन बाद आते हैं, लेकिन वो जो दिख रही हैं भैंस हमारी, वो भैंस ही जो हमारी भैंस दिख रही है, वो भैंस गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर पे आ गई हैं, यानी कि डड़िया बाबा का स्थान गांव से 1 किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा। तो हमारी जितनी भी भैंस थी, 4 भैंस हैं फिलहाल में, चारों भैंस डड़िया बाबा के स्थान के तरफ में आ गई थी। तो हमने सोचा जब डड़िया बाबा के स्थान के तरफ में चली गई हैं तो हम भी चलें डड़िया बाबा का दर्शन भी कर लें, क्योंकि बाबा का दर्शन नहीं हो पा रहा। यह डड़िया बाबा का स्थान है और साइड साइड से मिट्टी गिरी है क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं गड्ढा हो गया था। तो एक चीज है कि बाबा के स्थान पे आने के बाद बाबा का दर्शन कर लो तो मन हल्का हो जाता है, मतलब अगर जो कुछ दिमाग में दूसरा दूसरा चीज चलता रहता है, मतलब कोई टेंशन हो गया या
किसी भी चीज का आगे जो बाबा का दर्शन हम लोग कर लेते हैं तो काफी ज्यादा मन शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो हम बाबा के स्थान पे अभी थोड़ा देर रहेंगे जब तक भैंस हमारी यहाँ है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं आज का ब्लॉग में आज का सीन क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों हम भैंस के पास आ चुके हैं, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि मतलब अब टाइम ज्यादा हो रहा है। लगभग में इस समय बज रहा है 6:30 के आसपास में होगा, उसे कंफर्म पता नहीं, 6 से ऊपर होगा। तो हम सोच रहे हैं कि भैंस हमारी इधर उधर फैली है, देख सकते हो एक यहाँ है, उसके बाद एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, मतलब चार लोग चार ओर फैले हुए हैं। जैसे इन लोग में एक प्रकार के जैसे होता है ना कि मतलब किसी से झगड़ा हो जाए तो मतलब दूरी दूरी बना के रहते हो, ऐसे ये भी चरने के लिए दूरी बना के रह रही हैं। तो अब शाम हो चुकी है, अब इनको ले जाना पड़ेगा घर, क्योंकि आधा घंटा और हमारे पास टाइम है इन्हें घर ले जाने में। हमारा गांव देख सकते हो यहाँ से, वो जो डड़िया बाबा के सामने वो उस साइड दिख रहा है ना, वहाँ हमारा गांव। पहले इसे ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे बड़ी है, जब बड़ी आगे जाएगी उसके बाद सब धीरे धीरे पीछे चलेंगे। तो हम इसे धीरे धीरे हम ले चलते हैं घर की तरफ में। यहाँ ये एक चक्रोड छोटा सा है तो यहाँ ये चर रही है, पहले इसे ही ले जाएंगे। हटो, चलो चलो, कि सबसे बड़ी यही है, हमारी एक ही भैंस सबसे बड़ी है। तो ये घर का गार्जियन है, जैसे होते हैं ना कि मतलब घरों में गार्जियन होते हैं जो घर का मुखिया होता है, वैसे ये भैंस की मुखिया है, मतलब वो तीनों की मुखिया ये है। तो इसे हम जब ले जाएंगे घर की तरफ में तो वो ऑटोमेटिक सब पीछे पीछे आ जाएंगे। इसे जितना दूर ले जाएंगे अगर जो ये दौड़ती हुए जाए तो वो भी दौड़ती हुए आएंगी। तो अभी वो आएंगी तो हम पहले इसको ले चलते हैं क्योंकि ये घर की मुखिया है। ये हमारे यहाँ का सिवान है जो कि देख सकते हो, यहाँ से लेकर ऐसे पूरा वो दूसरा तीसरा गांव ये हमारा गांव है। उसके बाद देख सकते हो जितना दूर दिख रहा है चारों तरफ ये हमारे गांव का सिवान है, काफी लंबा सिवान है, क्योंकि हमारे सिवान काफी ज्यादा लंबा है। वैसे अगर जो गेहूं की फसल में देखा जाए तो गेहूं के फसल में जब कम पानी लगती है तो हमारे गांव में लगभग में 6 से 7 दिनों तक 5-5, 6-6 कंपाइन लगती है काटने के लिए, तब जाकर हमारा पूरा सिवान गेहूं का फसल तब जाकर कटता है। तो अभी हम भैंस को ले जाएंगे, हमें लगभग में आधा घंटा टाइम है। मेरे कैमरे का क्वालिटी अच्छा नहीं है क्योंकि रेडमी 8 का फ़ोन है, बहुत पुराना फ़ोन है, तो ज़्यादा देर करेंगे उसके बाद क्वालिटी कम हो जाएगी। तो अभी फिलहाल में जो है तो है। अब हम चलते हैं घर क्योंकि भैंस को ले जाना भी, देख सकते हो इधर उधर फैली हुई है, तीनों हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद जब चारों भैंस इकट्ठा हो जाएंगी तब हम चलेंगे घर, वरना एक को ले जाएंगे दूसरी भागेगी तीसरी भागेगी, ऐसी होगी। तो हम चलते हैं घर, हमें भैंस को ले जाना अभी लगभग में आधा घंटा से ऊपर लगेगा क्योंकि धीरे धीरे जाएंगी। तो शाम हो चुका है, तो आई होप ये हमारी छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि आने वाले समय में आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।